हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑटोफ्रिक इंडिया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे पॉपुलर सेडन जो अब हमें स्पोर्टी हैचबैक के रूप में देखने को मिलेगी। हम बात करेंगे होंडा सिटी 2021 के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आप लोगों को पता है कुछ महीनों पहले सेडन सेगमेंट में सबसे पॉपुलर कार होंडा सिटी 5th जनरेशन लॉन्च हुई थी, जिसका काफी लंबे टाइम से इंतजार था। अब होंडा ने इस कार का हैचबैक वर्जन रिवील किया है, जो देखने में काफी प्रीमियम और स्टाइलिश है। और ये कार होंडा सिटी 5th जनरेशन के प्लेटफॉर्म पर ही बनाई गई है, जिसके फीचर्स और कार में यूज किए गए कंपोनेंट्स सेम है। कंपनी का दावा है कि ये हैचबैक सेगमेंट में तहलका मचाने वाली है और ये बेस्ट सेलर हैचबैक कार भी बनेगी। माना जा रहा है कि इसे इंडियन मार्केट में भी जल्दी पेश किया जाएगा। हालांकि इस कार को फिलहाल थाईलैंड में लॉन्च किया गया है, जो कि होंडा सिटी हैचबैक मॉडल का ग्लोबल डेब्यूट है। 2021 होंडा सिटी हैचबैक के डिजाइन और फीचर की बात करें तो कार का फ्रंट और साइड प्रोफाइल न्यू होंडा सिटी की तरह ही है। हालांकि इसका रियर लुक काफी अलग है, जिसमें एरोडायनेमिक पैनल, हॉरिजॉन्टल टेल लाइट्स और बम्पर का डिजाइन जबरदस्त है। होंडा सिटी हैचबैक का रियर लुक काफी स्पोर्टी है। कार में हमें क्रोम फिनिश वाले 16 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। 2021 होंडा सिटी हैचबैक के फीचर काफी इंप्रेसिव है। अगर इंजन की बात करें तो इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल मोटर लगी है, जो 122 bhp की पावर और 173 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इस कार में 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है। कार का केबिन पूरी तरह ब्लैक है, और इस कार की खास बात यह है कि इसकी ड्राइविंग सीट को छोड़कर बाकी सारी सीट्स फोल्ड की जा सकती है, और पैसेंजर अपनी जरूरत के अनुसार कार में सामान रख सकते हैं। यानी कार को यूटिलिटी मोड, लॉन्ग मोड, टेल मोड और रिफ्रेश मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सारे फीचर्स के साथ कई छोटे मोटे फीचर्स आपको कार में देखने को मिलेंगे, जिनकी एक प्रीमियम सेडन को जरूरत होती है। होंडा सिटी हैचबैक थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में सेल के लिए अवेलेबल की गई है। इस कार को S+, SV और RS जैसे ट्रिम में लॉन्च किया है। होंडा सिटी हैचबैक को जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाने वाला है, पर लॉन्चिंग डेट का खुलासा होंडा की तरफ से अभी तक नहीं हुआ। अगर हम इस हैचबैक कार की कीमत की बात करें तो हैचबैक सेगमेंट के लिहाज से इस कार की कीमत थोड़ी ज़्यादा है। इस कार के बेस मॉडल S+ ट्रिम की प्राइस 14.62 लाख से शुरू होती है। इसके SV ट्रिम वेरिएंट की प्राइस 16.47 लाख रुपीज है, और कार के टॉप मॉडल RS ट्रिम की प्राइस 18.28 लाख रुपीज रखी गई है। तो दोस्तों, आपको होंडा सिटी हैचबैक कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।